नमस्कार मैं हूं प्रवीण गौतम दोस्तों शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसे मुद्दों में अगर हम दुनिया में सबसे आगे निकल जाए पर इनकम में सबसे आगे निकल जाए तो वाकई डंका बजना बनता है तब हम कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं लेकिन हमारे देश का मीडिया कैसी बचकाना बातें करता है कहता है कि देखिए इससे ऐसे मिलिए मोदी जी तो हम विश्व गुरु बन गए मोदी जी यहाँ ऐसे खड़े हो गए तो हम विश्व गुरु बन गए नमस्ते का डंका बजा दिया मोदी जी ने जबकि पुराने जमाने से जब मनमोहन सरकार थी या उससे पहले भी भारत के कल्चर का दुनिया सम्मान करती आई है भारत के योग का दुनिया सम्मान करती आई है नेहरू के ज़माने से ऐसा चला आ रहा है लेकिन अब हर बात का क्रेडिट चूंकि पीएम मोदी को देना है तो जब हम दुनिया में कई मामले में कई रिपोर्ट में पीछे जा रहे हैं जैसे मीडिया की रैंकिंग लगा लीजिए भुखमरी लगा लीजिए रोजगार लगा लीजिए पर कैपिटा इनकम लगा लीजिए इस सब मामले में हम दुनिया के पिछड़े देशों में हैं एक सौ नंबर पर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम है और हमारे देश के मीडिया एंकर दावा करते हैं कि मोदी जी यहाँ खड़े हो गए तो हम विश्वगुरु बन गए आखिरकार ऐसी बातों का क्या लॉजिक है जो विश्वगुरु होता है वो रोज़ाना नहीं बताता कि मैं विश्वगुरु हूँ अगर हमारा देश आगे बढ़ता है तो इसमें पूरे देश, देश, तो देश के लिए सम्मान की बात है अगर पीएम मोदी को दुनिया जहान में सम्मान मिलता है तो ये पूरे देश के लिए सम्मान की बात है लेकिन जैसा दूसरे कई देशों को सम्मान मिलता है वैसा ही पीएम मोदी को कई बार मिल जाता है तो कहा जाता है कि देखिए हमें ही खास सम्मान मिल रहा है अब जैसे पी मोदी को नमस्ते करते हुए अभिवादन किया इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने तो कई मीडिया एंकरों ने कहा कि देखिए मोदी जी का कितना जलवा है दोस्तों अगर ऐसे इंग्लैंड वाले सोचने लगे तो क्या सोचेंगे ऋषि सुनक का किस गर्मजोशी के साथ मैलोनी ने स्वागत किया था ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह मैलोनी मिलती है ऋषि सुनक से तो तमाम राष्ट्र का उनके कल्चर के मुताबिक स्वागत किया जाता है बहुत सामान्य बात है और इस तस्वीर को लेकर भी हमारे देश का मीडिया आप कहने लगा है कि देखिए भारत दुनिया का केंद्र बिंदु बन गया है ये कहती है रूबिका लियाकत कहती है इन तस्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री की जगह पर गौर फरमाइए दुनिया में भारत की पोजीशन को दर्शाता है केंद्र बिंदु है भारत तो मान के न मान तो यह केंद्र बिंदु बता रही है इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे देश का मान सम्मान है पीएम मोदी का भी मान सम्मान होता है जब विदेश जाते हैं लेकिन इन तस्वीरों को लेकर खुद को केंद्र बिंदु बता देना यह थोड़ा ज्यादा हो गया ये जी समिट की तस्वीरें हैं और ये आप देख सकते हैं पीछे की रो में पीएम मोदी बीच में खड़े हैं यहां पर जो इवेंट का लोगो है आप बीच में देख सकते इट, मतलब हैं तो है, तो सामने, सामने खड़ा नहीं हो सकता पहली रो में यहां पर कोई खड़ा नहीं हो सकता पीएम मोदी पीछे की रो में बीच में खड़े हैं ये बात कोई केंद्र बिंदु वगैरह वाली बात नहीं है अगर होता तो भी हमें खुशी होती और इसमें भी कोई बुराई नहीं मैं नहीं कहता कि पीछे की रो में पीएम खड़े हैं तो ये कोई अपमान है क्योंकि ऋषि सुनक उनके एक छोड़ के दूसरे साइड में खड़े हैं ऋषि सुनक भी पीछे की रो में खड़े हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो भी पीछे की लाइन में खड़े हैं तो इसमें भी कोई अपमान की बात नहीं है लेकिन ये कह देना कि यहाँ खड़े हैं तो केंद्र बिंदु है वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है हकीकत यह है कि कई नेता आगे की रो में खड़े हैं कई नेता पीछे की रो में खड़े हैं ना ही आगे वाले विश्वगुरु बन गए ना ही पीछे वाले विश्वगुरु बन गए ना ही आगे वाले केंद्र बिंदु बन गए ना ही पीछे वाले केंद्र बिंदु बन गए दुनिया में हमारा सम्मान है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं दुनिया में हमारा सम्मान है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और इसी नाते पब्लिक रूबिका लिया जैसे पत्रकारों को आईना दिखाती है राजेश कहते हैं ये ऐसे ही नहीं मिला है इसके पीछे सत्तर सालों की मेहनत है लेकिन तुम्हें तो चम्मच की तरह बजना है मोदी के कारण सत्तर सालों की मेहनत में पानी फिर जाएगा इसके अलावा दोस्तों एक और ट्विटर यूजर करते कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला हुआ बाजार है इसलिए हम दुनिया में केंद्र बिंदु बने हुए हैं हमेशा से हर देश को बड़ा बाजार चाहिए जो हम हैं तो तस्वीरों को लेकर पब्लिक आईना दिखा रही है क्या जमाना आ गया है पत्रकार मैजिक की बात करते हैं पब्लिक लॉजिक की बात करती है पत्रकारिता का ऐसा पनौती काल आ गया है दोस्तों अब खड़े होने को लेकर इतनी तारीफ की जाती है अगर पीएम मोदी की वैसी तारीफ कर दी जाती जैसी बराक ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की की थी तो हमारे देश का मीडिया तो पागल हो जाता बराक ओबामा ने कहा था कि जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है तो मनमोहन सिंह एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं इनको सलाम है इनका स्वागत है कि भारत को मंदी से बचाया हुआ है तो इस अंदाज में तारीफ करते थे बराक ओबामा लेकिन उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया नहीं होता था इस तरह मीडिया सरकार की भक्ति नहीं करता था ना ही मनमोहन सिंह यह कहते थे कि हमारा डंका दुनिया में बज रहा है देश की बात की जाती थी कि देश आगे बढ़ रहा है हमारे देश का दुनिया में सम्मान हो रहा है लेकिन इस तरह रैलियों में वोट नहीं मांगे कि देखिए बराक ओबामा ने मुझे क्या बोल दिया था मनमोहन सिंह भी बोल सकते थे ना बराक ओबामा ने मुझे बोला था आपने देखा कि नहीं देखा भाई और बहनों रैली में बोल सकते थे मनमोहन सिंह लेकिन उस वक्त उस तरह की राजनीति नहीं की जाती थी आप मेरी बात से सहमत है भारत का डंका बज रहा है यूरोप में डंका बज रहा है ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है अफ्रीका में डंका बज रहा है अमेरिका में डंका बज रहा है कैसे ये कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है आपने गलत जवाब दे दिया ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। आज हल्की राजनीति की जाती है सब देख रहे हैं कि भारत का वक्त के साथ सम्मान बढ़ रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कोई भी प्रधानमंत्री हो भारत का सम्मान होता है दुनिया भारत का सम्मान करती है विचारधारा के तौर पर कई वहां जैसे अमेरिका की सरकार है अगर आप जो बाइडेन की सरकार को देखें तो जो बाइडेन और उनकी पार्टी की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती लेकिन चूंकि पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उस नाते सम्मान किया जाता है तो भारत का सम्मान है दुनिया में पहले भी भारत का सम्मान था अब भी भारत का सम्मान है और आगे भी भारत का सम्मान रहेगा लेकिन हमें अपने मुँह मिया मिट्टू बनने से बचना चाहिए जबकि कई लोग इस बात को लेकर भी मजाक उड़ाते हैं कि देखिए भारत के चुनाव में कैसे प्रचार किया गया एक वीडियो तो बैन हो गया था जब एक विदेशी कॉमेडियन ने मजाक उड़ा दिया था कि कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं हमने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था कि मानो वीडियो गेम है तो उस वीडियो को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था तो हमें बचकाना बात करने से बचना चाहिए हमारे देश की मीडिया हमारे देश के नेता ऐसी राजनीति करेंगे तो दुनिया में मजाक बनेगा उसके अलावा कुछ नहीं है आप ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं जहां नेताओं के खड़े होने को लेकर बताया जा रहा है कि हम दुनिया के केंद्र बिंदु बन गए हैं जबकि तमाम रैंकिंग में हमारी पोजीशन गिरती जा रही है और सबसे ज्यादा मायने रखती है पर कैपिटल इनकम उसमें हम ऊपर उठेंगे तब माना जाएगा कि देश आगे बढ़ रहा है आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग दे सकते हैं इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें नमस्कार